और एक यहाँ से ही देख लो एग्जैक्टली कैसा दिखता है। You're superhero. सो वेरी 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 गुड मॉर्निंग गाइस। सो आपको थंबनेल देखिए पता चल ही गया है कि आज का वीडियो सीट कॉल के ऊपर है, मैं जो मैंने अपनी R1 5 V2 के लिए मंगाया। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कैसे हो आप लोग, होप सो आप भी मेरी तरफ फिट और कड़क ही होएगी एकदम, और दुआ कर दो कि आप हमेशा ठीक रहे। सो फाइनली आते हैं बात पे। सो सीन ऐसा है कि फाइनली आई रिसीव माई सीट कॉल जो मैंने इंडोनेशिया से मंगाया था। इस टेक ऑलमोस्ट 1.5 मंथ या उससे ज़्यादा, मतलब एग्जैक्टली नहीं पता अपन, बहुत एटलीस्ट अप्रॉक्स 2 मंथ या उससे थोड़ा कम लगा है। सो फाइनली सीट कॉल मुझे रिसीव हो गया इतना वेट के बाद। सो मेन सीन आप सोच रहे हो कि मैंने ये सीट कॉल इंडोनेशिया से क्यों मंगवाया है, मैं ज़्यादा किसी इंडियन सेलर से भी ले सकता है, जैसे कि बहुत सारे हैं ऑटो लीग्स हाफ चेन्नई और V1 वाटेवर। सो फिलहाल इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं और उसके बाद बात करते हैं कि ये मैंने क्यों इंडोनेशिया से मंगवाया। ओके लेट्स गो। पहले आपने अनबॉक्सिंग देख लिया, नहीं आई नो इट्स लुक्स डैम डोप, मालूम नहीं इतना लंबा क्यों है, फिट करने के बाद ही पता चलेगा। सो फिलहाल हम चलते हैं और इसको इंस्टॉल करके देखते हैं। और ये इसका ब्लैक स्प्रे पेंट भी लेना है क्योंकि हम इसको ब्लैक पेंट करेंगे, क्योंकि मेरे पीछे का जो हिस्सा है वो ब्लैक है। सो लेट्स गो चलते हैं। फ्रेंड ब्लैक स्प्रे पेंट लेकर आ चुका है, बट मैं घर में पेंट नहीं कर सकता क्योंकि मेरी मम्मी अलाउ नहीं करेगी। सो हम नीचे पार्किंग में जाके पेंट करेंगे। तो ये सीट को आपको इंस्टॉल करने के लिए सिर्फ आपको अपनी सीट को ओपन करना है लाइक दिस, एंड यू जस्ट नीड अ सिंगल स्क्रू ड्राइवर। ये जो दो स्क्रू है वो आपको ओपन कर देना है। और ये जो सीट कोल है उसको आप डायरेक्टली यहाँ फिट कर सकते हो और ये स्क्रू उसमें लगा देना है। फाइनली ये है आउटपुट जो कलर करने के बाद आ रहा है। लुक एट दिस, मैं इस साइड से भी जरा दिखा देता हूँ। फ्रॉम बिगिन, और ये कुछ यहाँ का सेक्शन है और एक यहाँ से ही देख लो एग्जैक्टली कैसा दिखता है। सो ये कुछ फाइनल आउटपुट इसका। दैट्स व्हाई आई लाइक दिस स्वीट कॉल सो मच, मतलब एक सिंगल पीस लग रहा है ये गाड़ी में। Hey guys, so finally आपने cinematics और जो भी 360 walk around है देख ही लिया होगा। सो अब आता है मेन टॉपिक पे कि ये चीज़ मैंने इंडोनेशिया से क्यों मंगवाई, चाहे तो मैं किसी इंडियन सेलर से भी ले सकता था लाइक जो मैंने पहले नाम लिए थे। सो मेन रीज़न ये है इंडोनेशिया से मंगवाने का कि आप इंडियन सेलर के पहले ये सब सीट कॉल्स देख लो कैसे लग रहे हैं, मतलब एकदम हॉनेस रिव्यू देना कैसे लग रहे हैं। इस लुक लाइक कि किसी एक सीट निकाल के आपने किसी क्ले का या पत्थर का टुकड़ा रख दिया है कोलसा, या फिर ऐसा कुछ अगली चीज़ रख दी है। लाइक आप मतलब शेप देखो यार, मतलब कितना अगली लग रहा है यार। लाइक मतलब आप इतनी अच्छी बाइक रखी है, आपने इतने सारे मूड्स किए और आप एक सीट खोल के ऐसे अपनी बाइक को ख़राब दिखाओ, नॉट पॉसिबल ना। सो मेरा सीन भी कुछ ऐसा ही है, इसलिए मैंने बहुत सर्चिंग किया को, मैंने देखा कि ये सीट कॉल ऐसा भी होता है। सो मैंने ये सीट कॉल का बॉड ढूंढा, मुझे एक सेलर मिला मॉडिफिकेसी R15 करके। सो मैंने उनसे कांटेक्ट किया बॉड द सीट कॉल, आप इंडिया में शिप कर सकते हो, तो मेरी उनसे पूरी बात हुई और उन लोग रेडी हो गए। सो फाइनली आज मैं अपना सीट कॉल मिल ही चुका है और हम इंस्टॉल भी कर चुके हैं। मेरे फ्रेंड ने मुझे कॉन्टेक्ट किया, उसको भी सीट कॉल चाहिए था सेम, बट ही कांट पे 6000 या फिर जो भी है फाइबर क्लास पे वर्क करते हैं, उनसे मतलब बात करें तो उन्होंने बोला कि वो शायद क्लोन बना सकते हैं। सो यस गाइस, आई एम प्लानिंग टू मेक मोर सीट कॉल लाइक दिस।
सो अगर आपको भी अगर सीट कॉल चाहिए तो आप मुझे डीएम कर सकते हो इंस्टाग्राम पे, आप यूज़र नेम यहाँ पे दिख रहा होगा। तो मेरा सीट कॉल कैसा लगा और अच्छा लगा हो तो गाइस आप मुझे डीएम कर सकते हो अगर आपको भी चाहिए तो। सो तब तक मिलते हैं मेरा नेक्स्ट वीडियो में, बाय।